Hi everyone, this is Vaishnavi Bura and welcome to my YouTube channel. As you guys know that festivals are here and festival के साथ साथ मुझे बहुत सारी queries भी आई है कि वैष्णवी इस festival season में हम अपने आप को कैसे maintain रखें, कैसे अपनी diet को control करें, जो हमने progress किया है क्या हमारे मिठाई खाने से वो progress ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारी queries आई है. So पहले तो मैं ये बताऊँगी कि आपको क्या लगता है कि मुझे craving नहीं होती होगी. बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है एंड आई एम फॉन्ड ऑफ मिठाई, बट कितना खाना है, कैसे खाना है, ये आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो इस वीडियो के थ्रू आई एक्सप्लेन यू कि हम अपने आप को कैसे फेस्टिवल के दौरान मेंटेन कर सकते हैं, कितना खाना है, कितने पोर्शन में क्या खाना है, क्या क्या खाना है, किस तरीके का ड्रिंक आप ले सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. त्योहारों के दौरान हम बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स हमारे घर आते हैं, हम रिश्तेदारों के साथ बाहर जाते हैं और वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती है और तब क्रेविंग होती है कि यार अब मैं कैसे करूँ, कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ. सो अगर आपके सामने एक मिठाई का डिब्बा है और आपको क्रेविंग हो रही है खाने की और आप अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर रहे हो, वो मत करना, क्योंकि उससे आपकी क्रेविंग बढ़ेगी और आप ओवर इंडल्ज कर लोगे, इट मीन्स आप ज़्यादा खा लोगे. पहले हमने बात की क्रेविंग्स की, अब हम बात करेंगे पोर्शन कंट्रोल, कि पोर्शन कंट्रोल हम कैसे करेंगे ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन. और ये चीज़ आपको नॉट ओनली फेस्टिवल सीजन बट रेगुलर में भी आपको हेल्प होगी. अगर हम बाहर जाते हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ, हैवी डिनर है, बट कितने पोर्शन में खाना है, कितना खाना है, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस. सो अगर आपके सामने फुल प्लेट पड़ी है और आपने पूरे दिन में हैवी, अगर आपने कैलोरीज ज़्यादा ले ली है तो आपको डिनर में कम कैलोरीज लेनी है. सो दैट्स हाउ यू कैन बैलेंस योर कैलोरी इनटेक. बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे रात को जाना है डिनर में, हैवी डिनर है, फ्रेंड्स है, मस्ती होने वाली, पार्टी होने वाली है, सो आपको दिन में अपनी मील्स उस हिसाब से एडजस्ट करनी है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप लाइट रखो, लंच भी आप अपना थोड़ा सा लाइट रखो और इवनिंग में यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव एंड एन्जॉय योर पार्टी. सो एक्चुअली ये रियलिटी है हमारे इंडियन फैमिली में, जब हम किसी के यहाँ डिनर पे जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन है या कोई डिनर है, किसी के घर में पार्टी हम जाते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कुछ डाइट पर्टिकुलर कर रहे हो ना, तो आपको कहते हैं लोग यार ये पता नहीं कौन से चक्कर में पड़ गई है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी. सो ये सब कुछ ना सुनना पड़े और अपना काम भी हो जाए ना, उसके लिए आपने दिन में अपना कैलोरीज थोड़ी कम कर लो और रात को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप डाइट कर रहे हो और आप सब कुछ खा सकते हो. सो थर्ड पॉइंट है सॉफ्ट ड्रिंक्स. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रिंक्स हमें लेना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स कितना लेना चाहिए, फ्रेश जूस अच्छा है या सॉफ्ट ड्रिंक. सो ये जिस चीज़ में शुगर है ना, वो चीज़ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी. सो यू कैन हैव फ्रेश जूस बट दैट टू विदाउट शुगर. शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है. एंड अगर नहीं मन है, नहीं लेना है, एंड बहुत लोग अगर आपको कोई कभी भी फोर्स करता है, दो तीन सिप लेके अपना साइड पे रख लो, सिंपल. सो अब हम बात करेंगे डिटॉक्स की, कि इतना कुछ खाने के बाद मिठाइयाँ और सब कुछ ये इधर उधर गए हैं फेस्टिवल में और इतना कुछ खाने के बाद अब हम अपने आप को कैसे डिटॉक्स करें. सो डिटॉक्स आप फास्ट रख सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, मतलब हैवी ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, कोई ग्रेन्स कुछ भी नहीं लेना है. एंड आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हो जिसमें लेमन, जिंजर, मिंट लीव्स, इन सबको रात को पानी के बॉटल, कांच के बॉटल में आप उसको सोक कर दो, नेक्स्ट डे आप इसका पानी पी सकते हो फुल डे. सो बट यस, प्रॉपर रेसिपी एंड उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर इट. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि वैष्णवी मैंने ना इतना कुछ खा लिया बट मैंने कल बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की. और कई लोग ये भी बोलते हैं कि यार मैंने इतना खा लिया, मुझे कल इतनी रनिंग करनी पड़ेगी, इतना वर्कआउट करने का पड़ेगा, तो ऐसे भी लोग होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आप अगर ओवर इंडल्ज करते हो या बहुत कुछ खा लिया आपने तो आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा या आपको कार्डियो करना पड़ेगा. प्लीज़ ऐसा मत सोचना, अपने दिमाग से ये चीज़ प्लीज़ निकाल दीजिए. आप कभी भी एक दिन में फैट आता नहीं है, ना कभी एक दिन में फैट जाता है. सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, अपना वर्कआउट रेगुलर कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन आपने खा लिया, दो दिन खा लिया, नथिंग.
कुछ चेंज नहीं होगा, बट हाँ आपको अपना गोल माइंड में रखना है एंड नेक्स्ट डे अपने ट्रैक पे आ जाओ, सिंपल। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई गिल्ट नहीं करना है। अगर कभी भी ओवर इंडल्ज हो जाए, कुछ गलत खा लिया, कुछ चीट मील कर लिया, प्लीज़ स्टे हैप्पी, जस्ट वर्क हार्ड एंड स्टे डिसिप्लिन। ओके, सो फेस्टिवल के दौरान हम वर्कआउट कैसे मैनेज करें, क्योंकि बाहर शॉपिंग करने भी जाना है, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने का। और उस चीज़ का भी हमें स्ट्रेस होता है कि यार मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, मैंने अपना वर्कआउट ही नहीं किया। तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आप फिज़िकली एक्टिव हो, ठीक है, आप वॉक कर रहे हो तो ये भी एक एक्टिविटी है आपकी, फिज़िकल एक्टिविटी। प्लस अगर आपका रूटीन नहीं ख़राब करना है तो जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, अपना आधे घंटे में वर्कआउट कर लो। अगर आपका दिन 8 बजे शुरू होता है, सिर्फ 30 मिनट्स दो, 30 मिनट्स में आप चाहे रनिंग करके आओ, कुछ भी छोटा 15-20 मिनट का वर्कआउट कर लो, सिंपल। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वैष्णवी मीठा नहीं खाती है, बट फेस्टिवल है, एंजॉय करो फ्रेंड्स फैमिली के साथ, मज़े करो, खुशियां मनाओ। और अगर इसी तरह आप अपनी लाइफ को, अपने डाइट, अपनी वर्कआउट को मेंटेन करते रहोगे, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ खाते हुए भी फिट रह सकते हो। सो ये थी स्मॉल टिप्स फॉर फेस्टिवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि वैष्णवी प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट कि फेस्टिवल सीजन में हम कैसे अपने आप की डाइट और कैसे वर्कआउट को मेंटेन करें। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियो।